नमस्कार दोस्तों। तो जब मैंने कोई स्टॉक लिया हो और वो गिर जाए तो मैं क्या करता हूँ, और अगर आप कोई स्टॉक ले रहे हैं और वो गिर जाए, जैसा अक्सर होता है, अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है कि शेयर लिया, सोचा हमने बहुत अच्छे दाम पे लिया है, लेकिन हमारे लेते ही वो शेयर और गिर जाता है, तो ऐसे में बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या करना चाहिए, उससे बेच के निकल जाना चाहिए अगर वो गिरता जा रहा है, होल्ड करना चाहिए या फिर और खरीद के एवरेज कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सिचुएशन में आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि IDFC फर्स्ट बैंक पे मेरा रिव्यू और उस पर एक डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट अब हमारे चैनल के मेंबर्स सेक्शन पे अवेलेबल है, तो आप भी इस ज्वाइन बटन को दबा के मेंबर बन सकते हैं और उस रिपोर्ट और वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर आपने कोई शेयर लिया और उसके बाद तुरंत वो 20-30% या और ज़्यादा गिर जाए तो आपको क्या करना है। पहला ऑप्शन, कई लोगों को लगता है कि उसे सेल कर देना चाहिए, क्या ये ऑप्शन गलत है? देखिए, ऑप्शन सही या गलत कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है कि वो शेयर क्यों गिरा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर वो शेयर इसलिए गिरा है क्योंकि उस कंपनी में कोई परमानेंट प्रॉब्लम आ गई है, जिस तरीके से आप सोच सकते हैं कि जेट एयरवेज, हो सकता है अब जेट एयरवेज कभी उड़ान ना भरे, हो सकता है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कुछ कंपनियां बिजनेस से बाहर हो जाएं, बैंकक्रप्ट हो जाएं, तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि जिससे ये डर लग रहा हो कि कंपनी परमानेंटली अपना बिजनेस खो सकती है, तब तो आपको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, अगर लग रहा हो कि कंपनी परमानेंटली खत्म हो सकती है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, कि होल्ड कब करना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि कंपनी में परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, टेम्पररी प्रॉब्लम है, जैसे कि नेस्ले के साथ हुआ था जब मैगी में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जैसा कि बहुत सारी कंपनियों के साथ होता रहता है, अगर मान लीजिए USFDA किसी फार्मा कंपनी पे कुछ ऑब्जर्वेशन दे दे तो वो फार्मा कंपनी 4-6 महीनों के लिए नीचे हो जाती है। बहुत अच्छे स्टॉक्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जिनके कारण 4-6 महीनों के लिए वो ऊपर नहीं जाते, काफ़ी नीचे आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको होल्ड करना चाहिए अगर आप ऑलरेडी उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा निवेश कर चुके हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि किसी एक स्टॉक में चाहे जो हो जाए, आपका इन्वेस्टमेंट आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए आप शेयर बाजार में 1,00,000 रुपये लगाए हैं, तो एक शेयर में आप 10,000 रुपये से ऊपर नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट आपको एसेट एलोकेशन फॉलो करना है। तो अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी 10% लगा चुके हैं और उसके बाद वो टेम्प्ररी प्रॉब्लम के कारण गिर रहा है, तो क्योंकि आप 10% मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुके हैं, तो अब आप उसमें और इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आप उस कंपनी को होल्ड करके रखेंगे। अब बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की, कि कब आपको एवरेज करना चाहिए, उस शेयर को और खरीदना चाहिए अगर आपके खरीदते ही वो कंपनी 20-30% गिर जाए। तो आपको खरीदना तब चाहिए जब उस कंपनी में टेम्पररी प्रॉब्लम है, जैसा सेकेंड केस में हुआ था जिसका एग्जाम्पल नेस्ले है, और बहुत सारी कंपनियों में ये होता रहता है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के कारण वो कंपनी 20-30% गिर जाती है, तब लेने का बहुत अच्छा समय है। क्वालिटी कंपनीज आपको हमेशा महंगी मिलेंगी अनलेस एंड अनटिल उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। जब उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर वो अच्छी कंपनी है, तो वो सस्ते में तभी मिलेगी जब उसमें कोई टेम्पररी प्रॉब्लम है या फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक है। तो टेम्पररी प्रॉब्लम के समय लेना बहुत अच्छा होता है अगर आपने उस कंपनी में मैक्सिमम 10% का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है, जैसे अगर आपके पास 1,00,000 रुपये हैं तो आपने उस कंपनी में 3-4,000 रुपये लगाए हैं और वो शेयर बहुत गिर गया है, लेकिन कंपनी पे आपको भरोसा है, तो उस स्थिति में आप 4-5,000 रुपये और लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी 10,000 लगा दिए हैं 1,00,000 में से, तब नहीं लगा सकते। लेकिन इस चीज़ में ध्यान ये रख रहा है कि जो उस कंपनी में प्रॉब्लम है जिसके कारण वो शेयर सस्ता हुआ है, वो टेम्प्रेरी हो, परमानेंट ना हो। जैसे कैडबरी में भी प्रॉब्लम आया था कुछ साल पहले, पेप्सी कोको कोला में भी प्रॉब्लम आया था कुछ साल पहले, आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं वो प्रॉब्लम परमानेंट तो नहीं हो जाएगी। 4 महीने 6 महीने 8 महीने साल भर कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर मार्केट में तो लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी कि जिस प्रॉब्लम को आपने टेम्प्ररी सोचा था वो परमानेंट है, तो पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा खुद से ये सवाल पूछें कि क्या आज से 6 महीने बाद या साल भर बाद मैं जिस कंपनी को खरीद रहा हूँ ये सोच के कि उसमें टेम्प्ररी प्रॉब्लम है, क्या वो साल भर 6 महीने बाद बंद हो सकती है। जब भी ये बंद होने वाला आप फिल्टर लगाएंगे तो आपको आंसर अक्सर क्लियर हो जाएगा कि क्या नेस्ले की मैगी में थोड़ा प्रॉब्लम आया था तो मैगी बंद हो जाती, नेस्ले कंपनी ही बंद हो जाती, मुश्किल था।
आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें प्रॉब्लम्स परमानेंट हैं, जिनमें प्रॉब्लम्स टेम्प्ररी हैं। टेम्प्ररी है जरूर लीजिए, अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है बहुत अच्छा समय है बार्गेन वैल्यूएशंस पे खरीदने का। प्रॉब्लम परमानेंट है, जितना दूर रह सकते हैं दूर रहिए। देखिए टेम्प्ररी प्रॉब्लम में स्टॉक लेना अगर कंपनी अच्छी है तो इसलिए अच्छा है क्योंकि प्रॉब्लम टेम्प्ररी है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन शेयर प्राइस आज सस्ता मिल रहा है कल नहीं मिलेगा, कल महंगा मिलेगा जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज सस्ते में लेके प्रॉब्लम खत्म होने का इंतजार करिए। बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी अपना के बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। हाँ, इसमें एक बात है कि 10 में से 3 बार आप भी गलत होंगे और वो प्रॉब्लम परमानेंट निकलेगी, लेकिन जो 7 बार आप सक्सेसफुल होंगे वो आपका सारा नुकसान कवर अप कर लेगा और आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। तो गलत होने से डरना बहुत ज़रूरी नहीं है, दुनिया में कोई भी हमेशा सही नहीं होता, आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करें हमेशा सही नहीं होंगे, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ होती रहेंगी, उन्हें भूल के डिसिप्लिन से ये जो मैंने तरीके बताए उससे इन्वेस्टिंग करते रहिए, सक्सेसफुल होते रहिए। ध्यान रखिए डिसिप्लिन रखना जरूरी है, 10% से ऊपर एक स्टॉक में नहीं। लोगों की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से जिंदगी तभी खराब होती है अगर वो एक स्टॉक को एवरेज किए चले जाते हैं और ईगो आ जाता है। कई बार हो सकता है मुझमें भी ये आता हो कि क्योंकि मैंने ये स्टॉक पसंद किया है तो ये गलत हो ही नहीं सकता, तो एवरेज करते रहो, लेकिन क्योंकि मैंने ये स्ट्रिक्टली फिल्टर रखा है कि कुछ भी हो जाए मैं 10% से ऊपर डालूंगा ही नहीं, तो मैं ब्लंडर्स से बच जाता हूं। तो इस ब्लंडर से बचने के लिए कभी भी 10% से ऊपर एक स्टॉक में इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि हम कई बार गलत होंगे, उस केस में ये डिसिप्लिन आपकी पोर्टफोलियो को, आपके हार्ड अर्न मनी को बचाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए इस सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि इस तरह के सारे ज़रूरी अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। साथ ही रेगुलर स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमें हमारी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक आईडीज पे, जो अब आपके स्क्रीन पर है। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस, तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।